स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th के पॉलिटी के चैप्टर नंबर 1 को, जिस चैप्टर का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले इस चैप्टर के ऑलरेडी मैंने 4 वीडियो बना रखा है, तो अगर आपने उन चारों वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखिए, क्योंकि वो जो चारों वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अभी हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स के बारे में जो है पढ़ रहे हैं, और हमने जो है पहला की फीचर जो है कि फेडरलिज्म है, उसको थे हमने अपने पिछले वीडियो में जो है डिस्कस कर लिए हैं। और आज हम पढ़ेंगे अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा की फीचर जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। तो देखिए, जैसे कि हम इसका टॉपिक देखें, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, सो लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसका क्या मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में होते हैं, यानी कि जो हम लोग के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिनको हम लोग जो है वोट दे के चुनते हैं, वो जो है बहुत सारे लेवल्स में होते हैं, जैसे कि सेंट्रल लेवल में होते हैं। और जो सेंट्रल लेवल में रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिन्हें हम लोग चुनते हैं, उन्हें हम कहते हैं MP यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और अगर हम लोग स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल में होते हैं MLA यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये अपने क्लास 7th के पॉलिटी में ये जो है MLA के बारे में भी जो है पढ़ा भी होगा। ओके, और अगर हम बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट में, तो देखिए लोकल गवर्नमेंट में भी जो है दो लेवल्स होते हैं, अर्बन लेवल और रूरल लेवल। तो अर्बन जो लेवल होता है उसमें होते हैं परिषद, ठीक है, ये होते हैं, और रूरल लेवल में होते हैं सरपंच। ओके, तो ये आपको पता चल गया रिप्रेजेंटेटिव वो होते हैं जिनको जो हम लोग वोट दे के चुनते हैं, और वो जो है डिफरेंट लेवल्स में होते हैं, कौन कौन से, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। ओके, अब देखिए ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये आया कहाँ से, तो ये जो है हमने ब्रिटेन से जो है देख के ये जो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो है सीखा है। ओके, अब देखिए जितने भी पीपल्स हैं हम लोग के, यानी कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट दे रखा है कि जो हम लोग वोट कर सकते हैं, चाहे वो गरीब आदमी हो या फिर किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो या फिर किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, लेकिन उसके पास राइट है कि वो वोट दे सकता है। लेकिन वो जो है एक अडल्ट होना चाहिए, अडल्ट यानी कि वो आदमी जो कि 18 ईयर्स से ऊपर का हो। तो देखिए वो आदमी जो कि मतलब 18 ईयर्स से ऊपर का हो, चाहे वो गरीब हो या फिर किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है या फिर जो है किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, उसके पास राइट है कि वो जो वोट दे सकते हैं। और उसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, यानी कि वो आदमी जो कि 18 साल से ऊपर का है, वो जो उसके पास राइट है कि वो जो है वोट दे सकता है। ओके, अब देखिए इससे क्या होता है, यानी कि अब देखिए पहले जो अभी क्या होता है, गरीब आदमी हो या फिर किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, उस आदमी के पास राइट है कि वो वोट दे सकता है। लेकिन पहले टाइम पे जो पहले जो किसी टाइप से आदमियों के पास ये राइट नहीं था कि वो वोट दे पाए या फिर जो है किसी तरह का जो है अपने रूलर को जो है चुन पाए। ओके, तो देखिए जो लोअर कास्ट के जो लोग हुआ करते थे या फिर गरीब लोग हुआ करते थे, उनके दिमाग में ये बैठा हुआ करता था कि जो हम लोग के पास किसी तरह कोई पावर नहीं है, हम लोग जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि उनके दिमाग में ये चीज़ बैठा होता था। ठीक है, लेकिन ये जो हम लोग का वोटिंग सिस्टम है, अगर हम आज की बात करें तो हम लोग का जो वोटिंग सिस्टम है वो उन्हें राइट देता है कि वो जो है अपनी मर्जी से किसी भी नेता को जो वोट दे सकते हैं और उन्हें चुन सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जितने भी लोअर कास्ट के लोग होते हैं या फिर गरीब लोग होते हैं, उनको जो है इनका जो माइंड सेट होता है ये जो है हटता है कि मतलब जो हाँ हम लोग के पास भी जो है राइट है कि जो हम लोग वोट दे सकते हैं और हम लोग जो है खुद के अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को जो चुन सकते हैं। ओके, तो ये हमने जान लिया जो है लोगों के जो है मन में ये बना क्यों था और जो इसे ये जो है हटता गया, लेकिन इसकी रीज़न ये क्यों थे, क्या थे, तो देखिए इसकी रीज़न ये थी कि पहले के जो क्षत्रिय लोग हुआ करते थे, ठीक है, उनके पास ये पहले राइट हुआ करता था कि वो रूलर बन पाए, ठीक है, और जब ब्रिटिशर्स आए तो फिर जो कुछ ऐसे अमीर लोग हुआ करते थे जिनके पास राइट हुआ करता था कि जो है वो वोट दे पाए या फिर जो है वो खुद जाके रिप्रेजेंटेटिव बन पाए। ओके, लेकिन लोअर कास्ट के पीपल के पास जो है राइट नहीं हुआ करता था। लेकिन जब हम लोग का इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और जब हम लोग इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, तो फिर जो ये लोगों का माइंड सेट क्या हुआ, ये हटना स्टार्ट हो गया। ओके, तो देखिए ये हमने जो है जान लिया कि
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव किसे कहते हैं, और जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज किसे कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ये देख लिया कि हम लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है चूज करते हैं, यानी कि हम लोग उसे क्या करते हैं, उसे हम लोग वोट देते हैं। ओके, तो देखिए अब ऐसे नहीं कि सिर्फ वोट देते हैं और वो कुछ करे ना। ओके, वो कुछ काम करते होंगे तभी तो हम लोग वोट देते हैं। ओके, तो अब हम लोग जो है हम लोग जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के वर्क देखते हैं कि वो करते ही क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले मेकिंग लॉ, यानी कि हम लोग के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो हम लोग के लिए जो लॉज बनाते हैं, यानी कि कानून बनाते हैं, जिससे जो है जितने भी आम आदमी हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। ओके, और साथ साथ जो है वो बहुत सारे स्कीम्स लाते हैं एक आम आदमी के फायदे के लिए। ओके, स्कीम जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम हो गया, मिड डे मील स्कीम हो गया। ठीक है, तो ये जो स्कीम्स होते हैं ये एक आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि ये जो स्कीम्स होते हैं ये यूजफुल क्यों होते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल है हम लोग मिड डे मील स्कीम के बारे में, तो अब मिड डे मील स्कीम क्या होता है ये हम जानते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि स्कीम जो है वो हम लोग के लिए यूजफुल क्यों होता है। ओके, तो देखिए अभी पहले क्या हुआ करता था कि जब हम लोग का मिड डे मील स्कीम नहीं होता था तो फिर पहले वो ये करता था कि मान लेते कि एक स्कूल है, ठीक है, उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं, तो जब दोपहर का समय हुआ करता था तो देखिए अब बच्चे को तो खाना चाहिए, तो जब स्कूल के में जो क्या होता था लंच हुआ करता था। ठीक है, तो जब स्कूल में लंच हुआ करता था तो अब जितने भी बच्चे थे उनको भेज दिया जाता था खाना खाने के लिए घर पे। ओके, अब क्या होता था जब उनको खाना खाने के लिए जो घर पे भेज दिया जाता था तो इससे क्या हुआ करता था कि कुछ बच्चे जो आते ही नहीं थे, अपने घर पे रुक जाते थे। ठीक है, ऐसे जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे। जब फिर मान लीजिए कि अब एक स्कूल है उससे जो है दोपहर में बच्चा जा रहा है खाना खाने के लिए, ठीक है, तब इससे क्या होगा कि उनके जो माँ बाप होंगे वो भी परेशान होंगे। अब क्यों परेशान होंगे, अब देखिए अब उनके जब वो बच्चा आएगा तो अब उनके माँ बाप क्या करेंगे, खाना बनाएंगे, ठीक है, उनकी देखभाल करेंगे जो उनकी बच्चा उनका जो बच्चा है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा पाएगा कि उनके जो माँ बाप होंगे, ठीक है, अगर वो गरीब माँ बाप होंगे तो फिर क्या होगा कि वो जो है अपने काम पर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, और इससे जो है बहुत सारे प्रॉब्लम जो है क्रिएट होते थे। ओके, और साथ साथ ये भी एक प्रॉब्लम था कि मान लीजिए कि किसी बच्चे ने खाना नहीं खाया है, ओके, और जो वो लंच के बाद जो है वो अपने क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जब उसे भूख लगी होगी तो क्या होगा कि उसको जो पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा। ओके, तो इस टाइप से जो प्रॉब्लम वो करते थे। तो फिर सरकार ने लाया मिड डे मील स्कीम। इस स्कीम के तहत क्या था कि जो स्कूल है स्कूल में जब लंच होगा तो स्कूल में जो है खाना मिलेगा। ठीक है, अभी अभी आप जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें आप देखेंगे कि स्कूल में जो है खाना मिलता है। ओके, तो देखिए अब इसके हमने ये देख लिया कि जब मिड डे मील स्कीम नहीं था तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे। अब हम जानते हैं कि जब मिड डे मील स्कीम आ गया तो फिर क्या क्या प्रॉफिट होने लगे लोगों को। तो देखिए जब मिड डे मील स्कीम आ गया तो फिर क्या हुआ, पहली बात कि अब कोई भी स्कूल है उसमें लंच में जो है स्कूल में ही खाना मिल जा रहा है, तो पहली बात क्या हुआ कि जो वो बच्चे घर पर भागेंगे नहीं, और फिर क्या होगा कि ऐसे नहीं कि लंच में जैसे अभी हमने क्या देखा लंच में भागते थे और वापस आते नहीं थे, तो भागेंगे नहीं क्योंकि जो है क्या होगा लंच में जो है वो खाना खा लेंगे और जो वापस अपनी क्लास अटेंड करना स्टार्ट कर देंगे, पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये कि उनके जो माँ बाप होंगे वो भी जो है चिंता में नहीं रहेंगे कि जो मेरे बेटे ने खाया है या नहीं या फिर कुछ भी। ठीक है, और जो है वो क्या कर पाएंगे अपना काम पर भी जा सकेंगे अपने। ठीक है, तो ये दो प्रॉफिट हो गए। और साथ में क्या हुआ कि अब देखिए जब स्कूल में ही खाना मिल जा रहा है, ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि अब जितने भी बच्चे होंगे उनका जब पेट भरा रहेगा भरपेट को खाना मिलेगा तो जो उनको क्या होगा कि उनको जो पढ़ाई में भी जो मन लगेगा। ओके, और चौथी और सबसे बड़ी बात ये कि अब वो जो सरकारी स्कूल है उसमें जो सारे कास्ट के लोग जाते होंगे, ठीक है, यानी कि सारे कास्ट के लोग जो है अपने बच्चे का एडमिशन कराए होंगे, चाहे वो अपर कास्ट का आदमी हो या फिर लोअर कास्ट का आदमी हो, तो क्या होगा कि अब सारे बच्चे जो एकजुट मतलब मिलकर खाना खाएंगे तो इससे क्या होगा कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि ये अपर कास्ट का आदमी ये लोअर कास्ट का आदमी है, सारे लोग क्या होंगे कि मिलकर खाएंगे खाना, तो इससे जो है डिस्क्रिमिनेशन भी खत्म होता है। तो आप देखिए अब इस मिड डे मील स्कीम से आपको ये पता चल गया होगा कि कितने सारे प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, तो इसलिए जो स्कीम्स होते हैं हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही स्कीम से जो है इतने सारे जो प्रॉफिट होते हैं। ओके, तो यही होता है कि यानी कि हम लोग के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो स्कीम्स भी लाते हैं। साथ साथ में देखिए ऐसे कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है जनता को तो फिर वो क्या करते हैं फुलफिल करते हैं, यानी कि उसको पूरा करते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि किसी गांव में बिजली नहीं है, ठीक है,
तब क्या होगा कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको जो लोगों ने चुना है, तब वो क्या करेंगे, बिजली की व्यवस्था करेंगे। ओके, या फिर जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे रोड नहीं है, सारे सड़क कच्चे हैं, तो फिर लोग अगर उनसे मांग करेंगे तो फिर क्या होगा कि जो है ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ये क्या करेंगे, ये रोड भी बनाएंगे। ओके, तो इस टाइप से जो है कुछ हो जाए। ओके, अब मान लीजिए कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिसे सरकार जो है पूरा नहीं कर पा रहा, तब इससे क्या होगा कि वो जो है जनता के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो अब जनता क्या करती है, जनता के पास ये राइट है कि वो क्या कर पाए कि वो जो है अपने क्वेश्चन जो है सरकार के पास रख पाए कि जो है मैंने जो है ये बोला था ये हुआ नहीं है, मेरी ये प्रॉब्लम है आप पूरा नहीं कर रहे, ठीक है, ये हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दे रखा है। और तभी अगर सरकार ऐसे नहीं मानती तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है नए नए प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, और जो है नए नए क्या करते हैं, हम लोग विद्रोह करना स्टार्ट कर देते हैं सरकार का, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे हड़ताल में भी हम लोग चले जाते हैं। ओके, हम लोग अपनी मांग पूरी कराने के लिए ये होता है, ठीक है, यानी कि हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को एक्सक्यूज करते हैं, तो ये जो इस टाइप से जो काम करते हैं। अब मान लीजिए कि ऐसा कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो कि ऐसा काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो हम उसके बदले में क्या करेंगे कि अब इस बार तो हमने उसे जो है उसने हम लोग को जो पहला फुसला के बोल दिया कि हम ये काम करूँगा और हमने जो उन्हें वोट दे दिया, लेकिन अब क्या कर रहे हैं वो हम लोग को जो है हम लोग का काम पूरा नहीं कर रहा। तब क्या होगा कि जब अगला इलेक्शन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसे वोट नहीं देंगे और फिर क्या करेंगे, फिर क्या होगा कि उसकी सरकार जो है गिर जाएगी। ओके, तो एक तरह से ये भी जो है अंडर जो जितने भी हम लोग के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मतलब वो ना चाहते हुए भी जो उनको काम करना पड़ता है कि जो अगर जो अगर हम लोग काम नहीं करेंगे, ये फुलफिल नहीं करेंगे जनता की बात, तो फिर क्या करें होगा कि अगले साल जो हम लोग की सरकार गिर जाएगी। ओके, सो इस टाइप से हमने देख लिया गवर्नमेंट का वर्क। ओके, तो देखिए अभी हमने क्या देख लिया कि हम लोग जो है रिप्रेजेंटेटिव्स को कैसे वोट देते हैं, लेकिन हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये भी राइट दे रखा है कि हम लोग जो है खुद एक रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। ओके, लेकिन जो इसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को जो है फॉलो करना पड़ता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि कौन से रूल्स हैं। तो पहली बात, अगर कोई आदमी जो है मतलब उनको मतलब हम लोग को राइट दे रखा है, तो अगर कोई आदमी रिप्रेजेंटेटिव बनना भी चाहता है रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि वो जो है इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, यानी कि उसके पास जो है भारत की जो है नागरिकता होनी चाहिए, और साथ साथ में क्या होना चाहिए कि वो मेंटली तौर पर सही हो, यानी कि ऐसा नहीं हो कि कोई भी पागल आदमी जो है उसके पास इंडिया की नागरिकता है और उसने जो है वोट ले लिया लोगों से और जो है वो बन गया, ठीक है, मेंटली तौर पर सही हो। और ऐसे क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये हम लोग को जो ये जानने के लिए पहले हम लोग इस स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में क्या होता है, दो हाउस होते हैं। ओके, कौन कौन से, अपर हाउस और लोअर हाउस। ओके, तो देखिए, अगर किसी आदमी को लोअर हाउस का जो है रिप्रेजेंटेटिव बनना है, ओके, तो उसकी एज कितने साल होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए। ओके, अगर उसे लोअर हाउस का बनना है, और अगर उसे अपर हाउस का रिप्रेजेंटेटिव बनना है तो उसकी एज होनी चाहिए 30 ईयर्स। ओके, और अगर आप स्टेट गवर्नमेंट बनना चाहते हैं, यानी कि आप जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं, ठीक है, लेजिस्लेचर में आप जाना चाहते हैं, तब भी आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स होनी चाहिए। ओके, अब देखिए, इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये ख़त्म होता है, जो कि हम लोग का क्या है, हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा की फीचर है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि हम लोग के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा की फीचर है। इसी के साथ ये हम लोग का वीडियो जो है ये ख़त्म होता है। आई होप ये जो वीडियो है ये आपको जो पसंद आया होगा। इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।